है गाइस। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं रूरल सोहना की तरफ, मतलब सोहना की तरफ। वहाँ हम जा रहे हैं प्रॉपर्टी देखने, तो चलो हमारे साथ बने रहो, हम भी आपको दिखाते हैं। तो हम निकल गए यहाँ से सोहना की तरफ। एक्चुअली फ्लाईओवर अगर हम लेते तो ज़्यादा सही रहता, बट अभी इनफैक्ट सुबह में इस टाइम पे ट्रैफिक शायद ना मिले, बट आगे दिख तो रहा है ट्रैफिक। गलती हमारे से ये हो गया कि हमें लेना था फ्लाईओवर और हम नीचे से निकल गए। तो ये हाईवे है और इस हाईवे के सामने जो है ये है आपका सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली। ये इसका एंट्रेंस है। अगेन यहाँ पे भी उसका बैजिंग दिया हुआ है। तो चलो अभी चलते हैं हम लोग अंदर सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली और आपको दिखाते हैं। तो हम आ गए हैं फ्लावर वैली, सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली। ये देखो कितना खूबसूरत है, वाह। सोसाइटी हो गया ना, हाँ भैया किधर हो आप? सेल्स ऑफिस में आ गए, इसके पास है। ये देखो, चलो। और ये देखो भाई, यहाँ सेंट्रल पार्क घुमाने के लिए लोग मर्सिडीज का फ्लीट रखा हुआ है। चलो अभी चलते हैं, देखते हैं। ये आगे जो आप देख रहे हैं शेडिंग में सर, हाँ ये शेड वाला जी, शेड वाला यहाँ पे पूरा जिम बन रहा है। अच्छा, इधर ये पूरा जिम बनेगा? जिम बनेगा सर। ओके, ये ऑलरेडी देखो ना बना हुआ है ये। हाँ हाँ, ये ब्लॉक्स आते हैं अंदर, हर एक ब्लॉक गेटेड ब्लॉक रहेगा। अच्छा, ये हर एक गेटेड है, बट एंट्री जो है एक किसी सोसाइटी वाला कहीं भी जा सकता है ना पूरे? ये प्लॉटेड है जो आप बता रहे थे वहाँ पे अभी, 375 स्क्वायर के प्लॉट्स डेवलपमेंट है यहाँ विकासा के नाम से। अच्छा, इसका क्या रेट है यहाँ पे? जो कंपनी का रेट, ये भी उसी का है क्या? ये वाला वो अलग सोसाइटी ही है। अच्छा, ये आशियाना का ये हो गया, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गया, करेक्ट। चार्जिंग पॉइंट भी है यहाँ पर, हाँ। बास्केटबॉल कोर्ट बनाया हुआ है सर यहाँ पे, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट बनाया हुआ है। ओके, एंड कैफेटेरिया भी है, हर स्पोर्ट्स एक्टिविटी सर कैफेटेरिया मिलेगा, कॉफी शॉप होगी, क्लिनिक भी है सर यहाँ पर, मैदानता भी है इधर जी सर। ये ब्लॉसम के नाम से मार्ट बनाया। अच्छा, यहाँ देखो ये कैफे भी है, ऑपरेशनल है क्या? ये ऑपरेशनल है सर, योर कैफे। अच्छा, यहाँ पे अभी कुछ खाने पीने को भी मिल जाएगा? रेस्टोरेंट भी है सर, पूरा फंक्शनल है वहाँ पर। कहाँ पे? मेन गेट के पास में ही सर, जो मैं आपको बता रहा था। अच्छा ठीक है। और ये जो है टावर, ये फ्लेमिंगो फ्लोर है सर, आप लो राइज जो देख रहे हैं। अच्छा, ये है फ्लेमिंगो फ्लोर, स्टडी का साइज है। अच्छा, ये 2 BHK जी, 2 BHK प्लस स्टडी का साइज है ये। यही है 1.2 CR जो आप बता रहे थे क्या? जी सर। अच्छा, ये सर्विस अपार्टमेंट जी, जो द रूम करके वहाँ पे भी है, जो वहाँ पर भी सर सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है सर। हाँ, क्या रेट इसका क्या दाम है? ये आपको मिल जाएगा सर लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए का। अच्छा, और एरिया? एरिया आपको मिलेगा 945 स्क्वायर फीट का सर। कौन सा? सेराइल, सेराइल फ्लोर्स। ओके, कार मत छूना। तो अभी हम लोग चल रहे हैं सेराइल फ्लोर्स देखने। चलो सीढ़ियों से चलते हैं। ये बेसिकली लो राइज है, 3-4 तल्ले वाला, 4 या 5 फ्लोर वाला घर। ये देखो, ये हॉल एरिया, ये एक और रूम है, छोटा रूम। बाकी पूरा वुडन वर्क दिया हुआ है। बालकनी एरिया अगर हम देखें तो बालकनी तो काफ़ी बड़ा है। तो चलो एक बार देखते हैं, आओ बंद करें। ये हो गया किचन एरिया। किचन एरिया जो है एल शेप में, और ये थोड़ा बहुत हाँ अजीब सा हुआ है ना, थोड़ा यहाँ पे स्पेस काफ़ी कंस्ट्रेंट लग रहा है। वो यूटिलिटी एरिया भी इसी में सेट किया हुआ है, वॉशिंग मशीन और ये। चलो हॉल, हॉल भी बहुत बड़ा तो नहीं है, ठीक है। कितना हो गया इसका एरिया? ये सर 1210 स्क्वायर फीट आपका सुपर बिल्टअप। तो ये कारपेट कितना हो गया होगा, 800? 850 ओके। रूम्स जो है छोटा है, बाकी बाथरूम जो है आप देख सकते हो इधर। बाथरूम में ये देखो, ये लाइट लगा हुआ है, ये देखो है, क्या बात है, ये बहुत सही है। ये बाथरूम हो गया, कमरा छोटा छोटा है बट लुक्स बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप घर के बाहर देखो तो ये देखो, इस घर के बाहर का व्यू देखो आप। मतलब ये जब डेवलप हो जाएगा तब तो बहुत सुंदर लगेगा। ये अलमीरा है, और ये अलमीरा देखो कितना मस्त लग रहा है, नहीं? ये देखो, हाँ फिनिशिंग अच्छा है, डिज़ाइन बहुत अच्छा बनाया हुआ है। ये लाइट्स भी बहुत खूबसूरत है। अब आ जाते हैं, ये कॉमन एरिया का लैट बाथ हो गया। थोड़ा लैट बाथ जो है वो काफ़ी छोटा है बट काफ़ी मॉडर्न, बहुत मॉडर्न है ये देखो आजकल तो। ये देखो, और अब आ जाते हैं तुम्हारा ये मास्टर बेडरूम हो गया, पता नहीं, हाँ 2 BHK विथ स्टडी रूम, 3 वाला दिखाएगा। यही है, ये 1,20,00,000 का है शायद। हाँ ये सेम हो गया। ये है सिराइज़ अपार्टमेंट जो हम लोग देखे, ये वाला घर। और अभी हम लोग जा रहे हैं फ्लेमिंगो, अभी हम लोग फ्लेमिंगो जा रहे हैं। चलो फ्लेमिंगो भी देखें कैसा है। ये पूरा क्रिकेट ग्राउंड आता है सर, जहाँ लाइट्स वगैरह सारा डे एंड नाइट मैचेस होते हैं। कहाँ, यहाँ पे? जी सर, ये देख रहे हो आप लेफ्ट साइड में होता है या होगा अभी? होता है सर ऑलरेडी। अच्छा, क्रिकेट भी है सर यहाँ पर। ये देखो जी, ये क्रिकेट मैच, क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया हुआ है इन्होंने। ये नीचे में क्या है, रोड? वाओ बहुत प्यारा है यार। फुटबॉल ग्राउंड भी है, फुटबॉल ग्राउंड भी है, और वो स्क्रीन भी है। जी सर, वाह बहुत बढ़िया। और लिखा हुआ भी है बॉट वन लेंट लेंट, यहाँ पे लीग मैचेस भी होते हैं। ये किड्स पार्क भी है यहाँ पे। फ्लेमिंगो 3 BHK ना? जी। एंट्री किधर से? यही है एंट्री। अच्छा, ये बेसमेंट है। ये बेसमेंट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है बट ये भी एरिया आपको मिलेगा। तो ये एरिया रहेगा आपका एक बेसमेंट। ये जो है, अच्छा इसमें फ्लोरिंग जो है आपका टाइल्स का रहेगा ना, वुडन नहीं है। और ये रहा एंट्री यहाँ से। सिर्फ इसमें ये जो बेडरूम है इसका, ये लंबा बेडरूम है नहीं, इसका जो फ्लोरिंग है वो वुडन है। और रूम तो काफ़ी सही है। इनफैक्ट ये देखो ना, ये भी बहुत अच्छा है। किचन, किचन जो है वो खुल रहा है यहाँ पर। ये यूटिलिटी वाला है ना, ये पूरा ग्राउंड आप ही का है ना? हाँ ये आप ही का, खेती वेती करने के लिए। सांप वाप भी आ रहे। हाय, कौन हो आप? रहते हो क्या इधर? आप रहते हो? बाय। ये जो है ये मेन हॉल एरिया एंटर करने के बाद, फिर ये एक बेडरूम है। और ये बेडरूम जो है वो ठीक एरिया है यार। मतलब मेरे को एक चीज़ अच्छा लगा कि इसमें स्पेस बहुत है, मतलब ओपननेस जो है वो बहुत है। बस वार्डरोब के लिए आपको सफिशिएंट स्पेस दिया हुआ है। उसके बाद मेरे को नहीं लगता आपको बहुत जगह चाहिए। ये देखो, और व्यूज़ जो है यहाँ का तो नेक्स्ट लेवल है भाई। और अब ये एक और बेडरूम है, और ये बेडरूम भी सही है। ये हो गया हॉल। फिर इस रूम से अटैच जो ये कॉमन लैट बाथ है, तो बेसिकली थोड़ा ज़्यादा अल्ट्रा मॉडर्न है, जहाँ बाथरूम में स्पेस ज़्यादा नहीं दिया हुआ है कि रूम और बाकी जगह पे स्पेस मिल जाए आपको। ये बाथरूम हो गया नहाने के लिए, यहाँ पॉटी करने के लिए नहीं है। अच्छा है इधर है ना, अच्छा ये जो है ना खुला, दिस इज़ वेरी नाइस। और इसके अलावा तुम्हारा नीचे बेसमेंट का स्पेस है। पहले में ये फर्स्ट फ्लोर में आपका बेसमेंट एरिया नहीं है, बट बालकनी एरिया जो है ये आ जाएगा। और पीछे भी है ना, इधर इधर ओके, सामने पड़ोस में भी लोग रह रहे हैं। जैसे लोगों ने अपने बालकनी एरिया में बहुत सारा काम करवाया हुआ है, वो तो एज ए जैसे जैसे समय मिलेगा उस हिसाब से आदमी करवा ही लेता है। घर को आप पोसेशन के लिए लेते हो तो आपको ये पड़ेगा। ऊपर वाले का क्या रेट है, ये फर्स्ट फ्लोर वाले का 1.25। तो ये 1.25 विथ एसी, किचन का सारा चीज़ जो बना हुआ है, स्लैब से लेके हर चीज़, टॉयलेट्स फिक्स्ड, हर चीज़, वार्डरोब वार्डरोब सब लगाएगा ना। ओके ये है फ्लेमिंगो फ्लोर, बेसिकली ग्राउंड प्लस 2, और ग्राउंड वाले का बेसमेंट भी है तो बेस, और एरिया भी इनफैक्ट बड़ा हो जाता है उसके कारण, है ना। ये देखो बहुत अच्छा है यार। यहाँ से चलते हैं हम लोग बाहर, और एक हाई राइज टावर अभी देखने जा रहे हैं। तो ये सामने फ्लेमिंगो है 3 BHK वाला, जहाँ पे फैमिलीज ऑलरेडी रहना स्टार्ट कर चुकी हैं, और क्योंकि इतना बड़ा सोसाइटी है ये 1000 एकर्स का, तो यहाँ बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स बनाया हुआ है। सेम है ना 3 वाला, ये 3 BHK वाला है ना जो अभी देखे थे हम। नहीं ये सेम 2 BHK प्लस स्टडी है, ये भी ये पूरा ब्लॉक ही था। अच्छा ओके, अगेन किड्स पार्क। ये जो है आपका रूम्स, द रूम हो गया ना, और ये जो आप बता रहे हो ये सारा बेसमेंट में ही जाके ड्रॉप ऑफ है ना। हाँ, बेसमेंट पिक एंड ड्रॉप, और ऊपर में कोई गाड़ी नहीं जाएगी, कोई व्हीकल मूवमेंट नहीं। हाँ ठीक है। इसमें कितना लिफ्ट है? 2 लिफ्ट है। अच्छा 2 लिफ्ट है। ये वेटिंग लॉन्ज हो गया। अच्छा सर्विस लिफ्ट नहीं है क्या? ये सर्विस और ये आपका पैसेंजर। चलो अभी सर्विस से ही चलते हैं। चलो तो अभी हम, ये आपका बड़ा है ना, ये है प्रॉपर सिंपली, ये है 3 BHK। और यहाँ पे जो तुम सोच रही हो अपना वो सब रखने का, यहाँ आप अपना डाइनिंग टेबल रख सकते हो, सोफ़ा वोफा का मतलब कहीं पे अरेंज करके लगा सकते हो। किचन भी काफ़ी सही है, मॉडर्न भी है। आजा, ये हो गया आपका यूटिलिटी बालकनी, यहाँ आपका यूटिलिटी रूम, यहाँ अगेन बर्तन धो सकते हो। कबर्ड्स भी काफ़ी दिया हुआ है, सफिशिएंट है कबर्ड। नीचे का भी अगर देखो, और ये सारा मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं है, ये कैफ का ये जो आपको है ये मिलेगा, आपको अलग से लगवाना नहीं है। दिस इज़ हाउ ईच फ्लोर इज़ बिल्ट। यहाँ नहीं है हॉल में वुडन फ्लोर। अच्छा ये एरिया हो गया, यहाँ पे आपको टाइल्स मिलेगा। आन्या ये सिंपली गिरने उड़ने वाली है जिस तरह से कर रही है ना। ये जो है आपका, ये अभी रूम जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, वुडन फ्लोर के साथ आएगा। और ये भी एरिया जो है आपका, यहाँ देखो अभी काम चल रहा है। अच्छा इसमें अलमीरा किधर लगेगा? ये तो इधर बेड लग जाएगा। अच्छा ये ऑलरेडी इनबिल्ट है लगा हुआ। चलो ऊपर भी स्टोरेज तो है थोड़ा, रूम वैसे ये तो ठीक ठाक स्पेस है। नहीं ये बड़ा रूम है, देखो ये मास्टर बेडरूम है, काफ़ी बड़ा है तो। अगेन इसमें अलमीरा जो है ये हो गया, वो भी अलमीरा का ही पार्ट है, दरवाज़ा के उधर। यहाँ पे टीवी यूनिट लग जाएगा, ये सारा आपको ये सब बन के ही आएगा। अच्छा ये देखो ना, यहाँ स्विमिंग पूल है फेसिंग। ओ भाई जो मैं आपको बता रहा था, हाँ वाह, फ्लोटिंग रिवर, ये तो अलग लेवल का चीज़ है। सिंपली हम लोग का बैंगलोर में ऐसे ही था ना, ये क्लब हाउस सेपरेट बन रहा है। अच्छा सिर्फ इसी के लिए बन रहा है क्या? ओह, और वो जो घर है वो भी सेम है क्या कॉन्सेप्ट? अच्छा ये 13 फ्लोर है क्या? होगा, बहुत सुंदर है। यहाँ बैठ सकती हो, सिट आउट एरिया, वो भी सिट आउट एरिया है। और ये तुम्हारे मतलब ये फ्लोर से तुम देख सकती हो। अच्छा यहाँ है रेस्टोरेंट्स खाने के लिए होगा। ये देखो बालकनी एरिया तो काफ़ी सही है। तो अभी चलते हैं अंदर, और ये रूम बालकनी से जब रूम में एंटर करोगे तो ऐसा दिख रहा है। ये एक और रूम हो गया, ये भी रूम जो है आपका सेम बालकनी से कनेक्टेड है। यहाँ पे आपको अलमीरा मिल जाएगा, ये बेड एरिया हो गया, इधर आप बाकी अपना टेबल्स जो है वो सजा के रख सकते हो। इसका एक अपना ये कॉमन बाथरूम लैट है ना, इधर से और इधर से, तो ये कॉमन लैट बाथ हो गया, जिसमें बाथरूम का एरिया जो है अभी कंस्ट्रक्शन में है, बट ये देखो ये अच्छा है, ग्लास का दिया हुआ है। ये कितना है? 1780 स्क्वायर फीट, 1789। ओह बहुत बढ़िया। ये हॉल का सेपरेट बालकनी ही है यहाँ पे, तो तुम यहाँ बैठो या वहाँ बैठो, जो तुम्हारा मन करे। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये मेदांता का जो क्लिनिक है, हाँ हाँ, ये फंक्शनल है मतलब अभी, ठीक है ओके। कहाँ पे? गोल्फ कार्ट जी सर, टाउन से कहीं जाना हो सर, रेस्टोरेंट जाना है आपको, हाँ हाँ, या फिर आपको क्रिकेट खेलने जाना है, या फिर आपको हॉर्स राइडिंग करने जाना है, तो वहाँ तक जाने के लिए हाँ वो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड होती है। ओके, जाने आने के लिए गाड़ी वाड़ी मिल जाएगा, बग्गी टाइप का, हाँ मतलब ये गोल्फ कार्ट जो बैटरी वाली है ना सर, हाँ हाँ, वो आपकी टाउनशिप के अंदर के लिए, ठीक है, हॉर्सेस वगैरह सारा। ये हॉर्स राइडिंग, अच्छा हाँ हॉर्स भी है यार यहाँ पे, हॉर्स राइडिंग भी है अवेलेबल। ये देखो हॉर्स यहाँ पे, वो देख रही है बेटा, उधर देखो हॉर्स सामने। ये तो तुम्हारा यहाँ रहने के बाद आदमी बाहर घूमने जाएगा, घूमने जाने का मन ही नहीं करेगा सर आपका, है ना? तो जबरदस्त है यार अभी तो। अच्छा यही है गोल्फ एरिया क्या? जी सर, यही 16 गोल्फ वाला बनेगा। 16 का नहीं है सर, ये भी बनाया हुआ है। अच्छा और आ रहा है सर, ओके, तो ये भी एक गोल्फ एरिया है ओके। तो मतलब यहाँ लोग खेलते हैं क्या अभी? अभी खेलते हैं ना, ओके। इसके अलावा जो है बताया था यहाँ पर आपको हर एक, ये आपका आप बता रहे तो कितना, 1.25 लाख, 1,75,000, 1,75,000 स्क्वायर फीट, वाह वाह, मॉल के बराबर हो गया है। तो अभी तो बनना स्टार्ट हुआ है सर, सबसे लग्जरियस क्लब हाउस बनाते हैं। हाँ वो तो पता है। ये है रेस्टोरेंट, ये लेफ्ट साइड ये, चलो आप, चलो जी। तो अब चलो अभी चलते हैं हम लोग यहाँ का रेस्टोरेंट में, जिसका नाम है द नेक्टर मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट। और ये रहा दरवाज़ा, आ जाओ। काफ़ी भीड़ है यार इधर तो, पीने होने का तो यार, हाँ यार टेबल फॉर 3, ओके आ जाओ। बाहर का जंगल व्यू भी अच्छा है। नहीं भाई मेरे को तो छोटा घर मिले, लेकिन इस जगह से तो प्यार हो गया लिटरली, बहुत प्यारा है भाई। क्या खाना है? डोसा खाओगी? कुछ अच्छा नहीं है खाने को? भूख लगा है बहुत तेज़। बाहर भी बड़ा अच्छा लग रहा है ना व्यू इसका, चलो कुछ देखते हैं ना खाया जाए, बहुत भूख लगा यार। है बेटा, यहाँ तो घोड़ा वोड़ा सब चला सकती हो। खाओ हाथ से। एक बार में नहीं रखना। वाह, यहाँ पे तो खाना भी वैसे ही सर्व है, बताया जैसे सेंट्रल पार्क हो। देखो जी क्वांटिटी इसका, तो ये क्या है? तो अभी हम लोग हैं सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली। थोड़ा मुंह में सौंफ है इसलिए आवाज़ नहीं निकल रहा होगा, बट यार मज़ेदार जगह है भाई, बहुत सही, बहुत मज़ेदार। मतलब बहुत सही, काफ़ी प्रीमियम सोसाइटी है ये। अगर सोसाइटी का फिर बात करूँ तो लोकेशन वोकेशन तो चलो ठीक है, दैट इज़ वन पार्ट दैट यू हैव टू कंसिडर, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज आई हैव एवर सीन। देखो ये फ्लोरा फाउंटेन कितना सुंदर है यार, और कितना बड़ा है, देखो, वाओ।